रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है। तो अगर आप 2023 में बुलेट 350 स्टेल्थ ब्लैक लेने जा रहे हैं रिबॉर्न, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, वरना शोरूम वाले आपको पुराना स्टॉक ना थमा दे। उससे पहले स्टैंडर्ड बंद होने वाली है। अगर अभी तक आपने ये बाइक नहीं ली और आप लेना चाहते हो तो इस बाइक को अभी परचेज कर लो, अदरवाइज ये इन फ्यूचर आपको ना मिले। इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है, चैनल पर जाकर देख लो। ये क्लासिक रिबॉर्न, इसके अंदर आपको रेड टेपिंग मिलती है रियर में, फ्रंट टायर के ऊपर, अलॉय व्हील्स के ऊपर, और यहाँ पे आप देखोगे साइड बॉडी पैनल्स और टैंक के ऊपर भी। मैं आपको इसको क्लोज जाकर दिखाता हूँ। यहाँ से आप जब देखोगे तो क्वालिटी एक नंबर मिलने वाली। रॉयल एनफील्ड कभी भी अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। टैंक के ऊपर प्रॉपर मैट फिनिशिंग मिलने वाली है ब्लैक कलर के साथ में, और ये कलर काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, फेवरेट लेता है लोगों का। यहाँ पे आप देखोगे टैंक पैड जो कि मैट फिनिशिंग के साथ में ही मिलने वाला है, बहुत अच्छी चीज हो जाती है। टैंक के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड 3D में देखने को मिल जाता है, वो भी सिल्वर कलर के साथ में, और कहीं भी आपको सिल्वर का टच नहीं मिलेगा, सिर्फ टैंक के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे फ्यूल लिड कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, ये भी फ्लैट टाइप का है। पहले ये काफी ज्यादा बड़ा आता था, अभी इसको फ्लैट टाइप कर दिया है। यहाँ पे E20 का अपडेट मिल जाता है जो कि काफी बड़ा अपडेट है। E20 यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ में ये बाइक चलने के कैपेबल बन जाती है, और साथ ही BS6 फेज 2 कंप्लायंट भी ये बाइक हो जाती है। सीट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्प्लिट सीट मिलती है आपको अलग अलग, और आप चाहे पीछे वाली अलग निकाल के भी रख सकते हो, ये रिमूवेबल हो जाती है। और यहाँ पे आप जब देखते हो तो इस सीट की जो मोटाई है वो काफी अच्छी मिल जाती है। पहले यहाँ स्प्रिंग मिल जाते थे, बट अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी जो चेसिस है ना वो प्रॉपर चेंज कर दिया कंपनी ने, न्यू इंजन दिया है, न्यू चेसिस दिए, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी कम हो गई है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म पूरा चेंज हो चुका है। तो ये रिबॉर्न जो मॉडल है ना वो क्लासिक पुरानी वाली BS6 से काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलती है। ग्रैब हैंडल आप देख रहे हो, काफी पतले वाले मिल जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे बैकरेस्ट भी लगवा सकते हो, ₹3,000 की प्राइसिंग आ जाती है। यहाँ पे फुट पैक्स देख सकते हो पिलियन के लिए, ये और ये है फ्रंट राइडर के लिए फुट पैक्स, और साइलेंसर काफी छोटा बट बेसी मिलता है, और साइलेंसर के ऊपर भी मैट फिनिशिंग दी गई है जो कि पूरी प्रॉपर मैच करती है बाइक के साथ में। इसको स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे आप देखेंगे स्विच ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पे 3 मोड मिलते हैं, ऑन ऑफ, स्टार्ट का यहाँ पे, और मिल जाता है नीचे हैजार्ड का ऑप्शन। तो ये चीज कुछ आपको राइट साइड में मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहले आपको कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता था बड़ा सा, बट अभी नहीं मिलता, पहले इसको बंद कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा पुरानी वाली बाइक में BS6 में, यहाँ पे आपको मोटा सा काफी बड़ा कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता था, जो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये न्यू इंजन है, न्यू चेसिस, तो कंपनी ने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। और डार्क एडिशन के अंदर दोनों ही बाइक्स में स्टेल्थ ब्लैक और आप गनमेटल के दोनों लेने वाले हो, तो दोनों में यही सेम साइलेंसर मिलने वाला है मैट फिनिशिंग के साथ में, और जगह जगह आपको प्रॉपर मैट फिनिशिंग मिलने वाली है। अब पहले यहाँ पे भी आपको क्रोम देखने को मिलता था, यहाँ पे भी सब जगह आपको मैट फिनिशिंग दे दी है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई भी एंगल ऐसी नहीं छोड़ी है जिसको मैट फिनिशिंग कंपनी ने नहीं किए। तो प्रॉपर आप इसको कह सकते हो मैट फिनिशिंग के साथ में ऑल ब्लैक ये बाइक आपको मिलने वाली है। सो ब्लैक लवर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी गुड न्यूज है, इसमें आपको कहीं भी क्रोम का टच अप देखने को नहीं मिलेगा। साइड बॉडी पैनल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलती है इसके अंदर, क्लासिक 350 का स्टिकर जो कि काफी क्लासिक लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर मैट फिनिशिंग के साथ में न्यू जे सीरीज का इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 PS की, टॉर्क जनरेट करता है 27 Nm का, और 125 की टॉप स्पीड भी निकाल के देता है इंजन। नीचे देखोगे यहाँ पे फ्यूल देखने को मिल जाता है जो कि इंजन ऑयल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना इंजन ऑयल, और जब आप सर्विस करवाने जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑयल फिल्टर का ओपनर, यहाँ से आप इसको आराम से ओपन कर सकते हो, या जब करवाने जाते हो तो यहीं से भी ओपन होता है। अब चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में क्या मिलता है आपको। लेफ्ट साइड में आपको गियर मिल जाते हैं, इस बाइक के अंदर 5 गियर आते हैं जो काफी ज्यादा स्मूथ अब देखने को मिल जाते हैं पहले से ज्यादा न्यू इंजन की वजह से। यहाँ पे चेसिस में आपको दिखा दूं, ये डुअल क्रेडल फ्रेम मिलने वाला है आपको, ये आपको प्रॉपर इंजन से वाइब्रेशन कम करने में प्रॉपर हेल्प करता है, जो कि पहले नहीं होता था, सिंगल आता था, अब यहाँ पे डबल देखने को मिल जाता है। नीचे अगर देखोगे आप ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 170 mm की मिल जाती है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छी मानी जाती है, गड्ढे वड्ढे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में, यहाँ सेंसर आप देख सकते हो स्टैंड लगा हुआ है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और ये अपडेट भी आपको सभी रॉयल एनफील्ड की बाइक में देखने को मिल जाता है, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे डबल स्टैंड का भी ऑप्शन है, काफी आसानी से डबल स्टैंड लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक हुक मिलता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे साड़ी गार्ड आप देख लो प्रॉपर ब्लैक में ही मिलने वाला है, लेडीज फुटरेस्ट भी मिलने वाला है, तो लेडीज के लिए काफी अच्छी चीज जाती है। रियर पिलियन के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट है, और ये वो हैंडल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको पकड़ के आप आराम से डबल स्टैंड पे लगा सकते हो, और अगर आप अपना सामान भी कैरी करते हो तो इसमें बांध सकते हो, सोलो ट्रिप पे जाते हो तब भी काफी ईजी हो जाता है आपको इस हैंडल की वजह से, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ तो मुझे पता है। रियर साइड में देख लो रॉयल एनफील्ड का स्टीकर मिले
मिलेगा, यहाँ पे 3D में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। और इस बाइक की टेल लाइट काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, बट इतनी बुरी नहीं है, अच्छी लगती है। ये पार्ट पहले चकोर टाइप में मिलता था, अभी राउंड शेप में मिलता है। और ये इसका हैलोजन बल्ब जो कि पहले से ही आ रहा है, यहाँ पे छोटे कर दिए इंडिकेटर, पहले बड़े आते थे थोड़े से। इसके साथ में इसमें मैट फिनिशिंग भी मिल रही है, पहले क्रोम आता था। तो धीरे धीरे कंपनी ने छोटे छोटे चेंजेस करके इसको प्रॉपर ब्लैक कर ही दिया है। यहाँ पे नंबर प्लेट के स्पेस मिलने वाला है और फ्रंट एंड रियर दोनों ही मडगार्ड और साइड बॉडी पैनल मतलब पूरी बारी ही मेटल की मिली है। तो 195 केजी का वेट हो जाता है। टायर साइज एक बार देख लो, ये है इसकी कुछ ग्रिप्स, सीएट के टायर इसमें मिलते हैं, ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये है इसके सीएट के टायर, 120 सेक्शन का टायर इसमें मिलता है, 140 सेक्शन का मिलता है मेट्योर के अंदर। यहाँ से देख लो आप, ये साइज 18 इंच के ब्लैक कलर के एलॉयबीज ट्यूबलेस टायर आते हैं इसके अंदर। सिर्फ ये एक मॉडल ऐसा है जिसके अंदर आपको एलॉयबीज और ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, बाकी क्लासिक के सभी वेरियंट्स के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ना ही एलॉयबीज मिलते हैं। डबल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल एबीएस के साथ में आती है। 270mm का यहाँ पे आपको रियर डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, तो ब्रेकिंग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। लेटेस्ट क्लासिक 350 के अंदर ये सारे एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं, ब्रेकिंग स्पीड, न्यू इंजन, वाइब्रेशन कम। बस एक चीज है जो कि वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप देख लो, ये है इसका फ्रंट का डिस्क ब्रेक और इसके अंदर ABS में मिल रहा है फ्रंट और रियर दोनों के अंदर। और फ्रंट टायर साइज मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, फ्रंट में 19 इंच का और रियर में पीछे की साइड में 18 इंच का अलॉय व्हील जो कि ब्लैक कलर के हैं। अलॉय व्हील आप देख लो एक बार, यहाँ पे रेड कलर की टेपिंग जो कि काफी अच्छी लगती है दूर से ही देखने में। फ्रंट देख लो इसका, कुछ इस तरह से लुक आता है फ्रंट का। हैलोजन बल्ब मिलते हैं सभी जगह पे, यहाँ पे ऊपर देख लो साइड में या फिर सामने हेडलाइट के अंदर देख लो, यहाँ भी आर की बैजिंग मिल जाएगी इसके अंदर जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और इसका जो शीशा है ना, ये आपको प्लास्टिक का मिलता है, ये ग्लास का नहीं है, पहले ग्लास का आता था। साइड इंडिकेटर आप हैलोजन देखोगे हैजार्ड लाइट के साथ में। और जस्ट हेडलाइट के नीचे एज यूजुअल आपको यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस मिल जाता है, फ्रंट का मडगार्ड मिल जाता है प्रॉपर मैट फिनिशिंग के साथ। और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आर की बैजिंग के साथ में, मतलब ओरिजिनल अलॉय व्हील जो कि कंपनी के साथ में आते हैं। बाहर से अगर आप लगवाते हो ये बात नहीं आने वाली है, ट्यूबलेस टायर आपको करवाने पड़ेंगे। सिर्फ डार्क एडिशन, यही ब्लैक और गन मेटल के लिए दो एडिशन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। तो भाई एक बात रह जाती है कि क्यों हटा दिए, तो कंपनी ने किक हटाई है उसकी वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है, देख लेना जाके, चैनल पे मिल जाएगी। बहुत प्यार दिया है, आप भी इसको जरूर देखना। यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग के साथ में साइड मिरर्स मिल रहे हैं और हैंडल बार भी पूरा मैट फिनिशिंग के साथ में मिल रहा है, कहीं भी क्रोम का टच नहीं दिया कंपनी ने अब, पहले था बट अभी हटा दिया, यही सारे अपडेट्स हुए हैं। और रॉयल फील्ड के अंदर काफी पार्ट शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे स्विचेस आपको वही मेटियोर और हंटर वाले मिलने वाले हैं, यही 650 के अंदर मिलते हैं सुपर मेटियोर के अंदर। आई का यहाँ पे बटन मिल जाता है जिससे आप ट्रिप वगैरह अपनी एडजस्ट कर सकते हो, जो डिजिटल छोटा सा मीटर मिलता है इसके अंदर आपको, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाती है, टाइम वगैरह मिल जाता है जिससे आप आई के बटन से एडजस्ट कर सकते हो। ऊपर एनालॉग मीटर मिलता है और साथ ही कुछ इंडिकेशन लाइट्स भी मिल जाती है, जो लो फ्यूल भी दिखाता है, बैटरी दिखाता है, इंजन की लाइट, और छोटा सा डिजिटल मीटर मिलता है इसके अंदर आपको ट्रिप वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्यूल गेज मिल जाता है जो काफी अपडेटेड फीचर है इसका। क्लासिक 350 के अंदर ये एक अपडेट ऐसा आया था जिसको काफी ज्यादा पसंद किया लोगों ने। और यहाँ पे आई का बटन दबा के आप एडजस्ट करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे टाइम मिल जाता है सबसे पहले, तो आप जब क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर की रीडिंग आ जाती है, ऑडोमीटर की रीडिंग, देन ट्रिप वन आ जाता है, ट्रिप टू आ जाता है, और देन आता है ट्रिप एफ जब आपका फ्यूल लो हो जाता है। तो यहाँ से ये कुछ चीज इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा, ट्रिपल नेविगेशन का ऑप्शन लगवा सकते हो इसके अंदर आप मीटर। और ये है इसकी की, वेव टाइप की की मिलती है इसके अंदर, थोड़ी मॉडर्न कर दी है जो कि काफी अच्छी लगती है, चीप क्वालिटी की जो कि पहले आती थी वो नहीं मिलती है, तो काफी अच्छी चीज हो जाती है। क्वालिटी तो रॉयल एनफील्ड ने जरूर इंक्रीज की है, यहाँ पे पहले लॉक आता था वो अब यहाँ पे सिंगल लॉक मिल जाता है, ये भी एक काफी बड़ा अपडेट है क्लासिक 350 के अंदर। और 800mm सीट हाइट के साथ में क्लासिक 350 आती है तो काफी अच्छा हो जाता है शॉर्ट राइडर और लॉन्ग राइडर दोनों के लिए। इसकी 2,55,000 रुपए ऑन रोड प्राइसिंग है दिल्ली के अंदर विदाउट एसेसरीज। अगर आप एसेसरीज ऐड करवाते हो, लैग गार्ड, सम गार्ड वगैरह, तो उसमें सब प्राइसिंग ऐड हो जाती है। स्टैंडर्ड की प्राइसिंग जाती है 1,86,000 रुपए ऑन रोड। अगर आपको अपने सिटी का प्राइस पूछना है कमेंट करके पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली वीडियोस के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू सो मच।